इसी साल 17 मई को बाराबंकी में एक 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, किया गया था ना। मार्च 17-20 को उस वक्त के एसडीएम जो अभी प्रमोशन पर सीडीओ बन चुके हैं, उन्होंने मार्च से लोगों को, आवाम को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक दिया। करीब 50-60 लोगों पर मुकदमा आया, जेल को भिजाया, एनएसए लगाया और फिर मई 17 को योगी सरकार ने नरेंद्र मोदी की तायीद से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद किया। उसको मैं कहता हूं अंग्रेजी में पॉलिटिकल डिमोलिशन था। उस वक्त दिल्ली में यह खबर चल रही थी कि शायद योगी को हटाया जाएगा, तो योगी ने गर्मी पैदा करने के लिए अपने ऑफिसर से कहा कि तोड़ दो मस्जिद को बाराबंकी की, जो 100 साल पुरानी मस्जिद थी। किसने आवाज उठाई उसके बारे में? किसने मीडिया के सामने जाकर, आवाम के दरमियान में जाकर कहा कि यह मस्जिद है, इसको शहीद नहीं करना चाहिए था? कौन आवाज उठाया? क्या ये बीएसपी सपा के लोगों ने आवाज उठाई? क्या उन्होंने कहा कि हम चलेंगे चलकर मस्जिद को आबाद करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 100 साल पुरानी मस्जिद को एसडीएम ने कहकर कह दिया कि इलीगल स्ट्रक्चर है, गैर कानूनी तौर पर इसको बनाया गया। और एसडीएम को मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का कानून है, वक्त का यूजर भी वक्त हो जाता है। 100 साल पुरानी मस्जिद को एसडीएम ने तोड़ दिया बगैर कोई नोटिस के, बगैर कोई कोर्ट के आर्डर के, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आर्डर था कि कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है, लोगों की लाशें पानी पर गिर रही थी, गंगा पर कुत्ते लाशों को लोच कर खा रहे थे, योगी और मोदी के सरकार में इंसानियत अपनी सांसें तोड़ रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिलने की बुनियाद पर लोग कांप रहे थे, बिस्तर तलाश कर रहे थे। तो ये ऐसी हुकूमत योगी और मोदी की कि आवाम को ऑक्सीजन पहुंचाए, दवा पहुंचाए, लाशों को जलाने के लकड़ी पहुंचाए या जमीन दिए, वो नहीं किए, मस्जिद को जाकर शहीद कर दिए। 100 साल आज दिनांक 9/21 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला कटरा चांदना में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कोविड-19 और जो परमिशन दी गई थी उसके शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया। इसी क्रम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने हेतु भड़काऊ भाषण भी दिए गए, जिसमें कहा गया कि रामसनेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को प्रशासन द्वारा तोड़वा दिया गया तथा उसका मलबा भी वहां से पूर्ण रूप से हटा दिया गया। उनका यह वक्तव्य वास्तविकता से बिल्कुल परे था। यह वक्तव्य देकर उन्होंने एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसलिए ओवैसी एवं आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। 732/21 धारा 153A, 188, 269, 270 और 3 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।